सांसदों के निलंबन को रद्द करने को लेकर विपक्ष का विरोध लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्ष द्वारा आयोजित विजय चौक मार्च में शामिल हुए। राहुल ने कहा कि 12 सांसदों का निलंबन भारत की जनता की आवाज़ को कुचलने का प्रतीक है, उनकी आवाज़ दबाई गई है। सभी सांसदों का बचाव करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, हमें संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हंगामे के बीच संसद में बिलों के बाद बिल पास हो रहे हैं, ये संसद चलाने का तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आते हैं, हमें राष्ट्रीय महत्व के किसी भी मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं है, यह लोकतंत्र की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या है। संसद में 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष की नारेबाजी के बीच राज्यसभा आज दोपहर पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस दौरान कहा कि सदन में शालीनता और मर्यादा बनाए रखे, अनियंत्रित और असंसदीय व्यवहार बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आज संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं ने राज्यसभा में एलओपी के कार्यालय में बैठक की। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा की। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।